हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू कैरियर एज तो यहाँ पे हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे पंजाब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो ये हमारा दस दिन का बैच रहेगा जिसके अंदर वी विल भी रिवाइजिंग ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट तो टुडे तो ये जो क्लास है करंट अफेयर्स की है फर्स्ट लेक्चर है इसका मेक श्योर आप सारी की सारी वीडियोज़ देखते रहें डेली सेवन पी पे अपलोड हो जाएगी लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन फाइंड ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम की क्वेश्चन में पूछना क्या वो चाहते हैं कि ये जो हमें पांच कंट्रीज गिवन है बीट रशिया पाकिस्तान फ्रांस जापान एंड चाइना इनमें से कौन सी कंट्री पे फाइन लगा है फेसबुक और टेलीग्राम पे तो द राइट आंसर हैशिया रशिया रशिया पे फाइन लगा है उसका कारण क्या है कि कुछ एक चीज़ों पर क्या था बैन लगा रखा था गवर्नमेंट ने फ्यू ऑफ द एप्स वर बैंड तो खुआ क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या पोलिटिकल वहाँ पे क्या होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे क्या होता है कि वहाँ पे ये जो बैन हर कंट्री में लगाए उसने रशिया ने नहीं लगाया तो पोलिटिकल इशूज काफी ज्यादा वहाँ पे हाइप हो गए थे इसलिए वहाँ पे अब क्या कर दिया है कि फाइन ही कर दिया है कि यू कॉन्ट यूज़ देम अदरवाइज यू हैव टू पे अ फाइन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन

क्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हाउ मच अमाउंट ऑफ आई आरईडीएल तो पहली बात तो हमें बतानी चाहिए और अगर हमें फुल फॉर्म पता है आई आरई डी ए की जो फुल फॉर्म है इट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड एंड जो पी एल आई है इसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फाइन अब इसके लिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितनी अमाउंट जो है वो इनवाइट की गई है बर्ड्स के लिए तो जो यहाँ पे सही आंसर है इट इज फोर्टी फाइव हंड्रेड करोर विच इज ऑप्शन नंबर थ्री indian renewable energy development agency limited, a psu which is a public sector undertaking under the ministry of the new and renewable energy, has invited bids for solar module manufacturers for setting up solar manufacturing units under the central government's rs. 4500 crore production-linked incentive. स्कीम तो यहाँ पे है क्या नाउ दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन ऐसी चीज़ों में से ही आते हैं कि कितनी अमाउंट कहाँ पे किसने इन्वेस्ट करी है कितनी अमाउंट किस में कहाँ पे किसने लगाई है तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हमारी मिनिस्ट्री की तो जो यहाँ पे मिनिस्ट्री आई है दैट इज़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तो यहाँ पे अब क्वेश्चन इस रिलेटेड भी आ सकता है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तो हमें वो भी पता होना चाहिए बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको सारे मिनिस्टर्स का क्या है पता होना चाहिए कि कौन सा मिनिस्टर किस चीज से रिलेटेड है फाइन अगर अब हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे और इंपॉर्टेंट एक और जो चीज रोल प्ले करेगी वो है अमाउंट अमाउंट जो है रुपीज फोर्टी फाइव हंड्रेड करोड अब ये क्या होता है दिस इज एन करोड बट मेनी टाइम्स देर आर आर द अमाउंट विच आर इन मिलियन एंड बिलियंस तो आपको उस चीज का भी ध्यान होना चाहिए तो अगर अब हम बात करेंगे यहां पर मिनिस्ट्री की तो मिनिस्ट्री इज अंडर राजकुमार सिंह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट फॉर्मर बॉक्सर डिंको सिंह पासिस अवे ही वॉज रिलेटेड टू विट स्पॉट ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं न्यूज में ही कवर कर दी नाम भी बता दिया ही पास डब ये भी बता दिया एंड ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ एशियन गेम्स ये भी क्वेश्चन बिहाइंड इट वॉज ही फ्रॉम अग बैटल विदर कैंसल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिसेंटली विच ऑफ द क्त पे तो यहाँ पे कुछ एक हमें ऑप्शन है जिसके अंदर Payback India, pay, Paytm, पे बैक इंडिया फोन पे पेटीएम कैश फ्री और गूगल पे ये हमें ऑप्शन गिवन है और जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है इट इज पे बैक इंडिया पेमेंट एंड क्रेडिट सर्विस प्रोवाइडर भारत पे सेट इट हैज एक इंडिया फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस एंड आई सी आई सी आई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक फंड एंड सेट फॉर दिस न्यूज अगली न्यूज देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज इम्प्रूव द ड्राफ्ट ऑफ द मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ना दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट अब हमें यह बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है एंड ऑप्शन आर गोवा मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान गवर्नमेंट हैज अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना अंडर विच देयर इज अ प्रोविजन ऑफ गिविंग अ ग्रांट ऑफ वन थाउजेंड रुपीज एवरी मंथ टू द एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट देखेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद विविंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर द कोविड नाइनटीन वैक्सीन एंड ऑप्शन जो है हमारे पास इट इज डब्ल्यू एच ओ विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ डब्ल्यू टी ओ एंड एफ एओ पहली चीज आपको यहाँ पे सब एब्रीगेशन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या है उन फुल फॉर्म्स के आगे ईयर ऑफ फाउंडेशन पता होने चाहिए उनके प्रेजिडेंट्स पता होने चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको उनके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए तो हेयर एंड फर्स्ट हम आंसर्स डिस्कस करेंगे उसके बाद आई एल बी लेटिंग यू इन चारों का मैं आपको बता दूंगी फुल फॉर्म फाउंडेशन प्रेजिडेंट्स हेडक्वार्टर बट अदरवाइज और भी जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक न्यूज uh, में काफी ज्यादा रहती है मेक श्योर sure आप ये तीनों चीज उनके बारे में पढ़ लें तो इसका जो आंसर रहेगा सेवन्थ पॉइंट का इट इज डब्ल्यू टी ओ अब इस डब्ल्यू टी ओ की जो फुल फॉर्म है इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन several countries have approved the world trade organization regarding waiver of the intellectual, prop uh, intellectual property protection for covid-19 vaccines. recently, u.s. announced support for waiving ip protection for covid-19 vaccines. u.s. will pursue negotiations on the waiver at the wto. all 164 wto members must agree on the draft, and any one member can veto it. तो इसके लिए इतना ही सफिशियंट uh, था अब अगर हम बात करेंगे डब्ल्यू एच ओ की डिस्कस कर लेते हैं पहले इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करेंगे यूनिसेफ की तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म इट इज यूएन चिल्ड्रन फंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ईयर ऑफ फाउंडेशन 1946। उसके बाद हमारे पास एफ है लास्ट और ऐसे ही जैसे अब हम ये पढ़ रहे हैं वैसे जो जो चीजें आती जाएंगी हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते जाएंगे कि ये इनका जो फाउंडेशन का ईयर था वो कौन सा था जैसे अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इट इज नाइनटीन अगर हम इनके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इट इज इन जनेवा ऑफ स्विट्जरलैंड ठीक है अब ये हमने सारी चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है इकट्ठी करनी तो अब यहां पे अगर हम इस यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इट इज इन न्यूयॉर्क ऑफ यूएस न्यूयॉर्क ऑफ यूएस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे ईयर की बात करेंगे 1955 उसके बाद वी आर लेफ्ट विद वन थिंग व्हिच इज एफ ए ओ अब एफ ए ओ इज इट इज नॉट इवन रिलेटेड टू दिस न्यूज़ क्योंकि ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो ये तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता है फाउंडेड इन ईयर 1945 एंड इज हेड क्वार्टर्ड एट रोम ऑफ इटली एंड इसका जो सही आंसर अगर हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट विच इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ट्वेंटी ट्वेंटी वन बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेज होते हैं डेज के बेसिस पे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है अगर डेज से रिलेटेड नहीं आता कि कौन सी डेट को कौन सा डे है अगर ये नहीं आता तो वो पूछ लेते हैं ऐसा सा क्वेश्चन विच इज़ थीम बेस्ड कि हमें थीम बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2021 का जो थीम था वो क्या था और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज को कब सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास पहले हम वो पढ़ लेंगे फैमिलीज ड्यूरिंग कोविड फैमिलीज इन न्यू टेक्नोलॉजीज फैमिली ड्यूरिंग क्वारंटाइन एंड सोशल डिस्टेंसिंग फॉर फैमिली तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर इट इज फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इज ऑप्शन नंबर टू इज एब्सोल्यूटली राइट अब है क्या यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है इट इज बिंग सेलिब्रेटेड ऑन ऑफ ऑफ एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज और इसको जो मतलब इसको बिगिन किया जिसने सेलिब्रेशन को तो वो है जनरल असेंबली एंड जो फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था यू डोंट हैव टू लर्न इट इट इज जस्ट फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू विद दिस द थीम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज

कब जून में 2022 की तो अब इसका जो आंसर रहेगा पहले ऑप्शंस देख लेते हैं browser, Mini, Muse, uh, Mozilla, Firefox, 11, या फिर गूगल क्रोम तो जो इसका हमारा आंसर रहेगा इट इज इंटरनेट एक्सप्लोर वन वन विच इज इलेवन माइक्रोसॉफ्टोर इलेवन डेस्कटॉप ब्राउजर विल बी रिटायर्ड ऑन जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर सर्टन वर्जन ऑफ विंडोज टेन की विंडोज टेन के कुछ हेड वर्जन है हैं जो इस पे नहीं चला पाएंगे एंड for फॉर one। अगला देखेंगे Which ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ launched मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी ऐसी स्कीम होती है उसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है वट एवर यू आर एग्जाम यू आर गिविंग फाइन तो आपको आना चाहिए ये जितने भी मिशन हैं जितने भी स्कीम्स हैं आपको सभी आने चाहिए तो क्वेश्चन एक बार फिर देखेंगे कि कौन सी स्टेट ने क्या किया है लॉन्च किया है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम को तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन <coughs> है ऑप्शन देखेंगे इज इट पंजाब इज इट आसाम महाराष्ट्र उड़ीसा या फिर गोवा तो इसका जो सही आंसर है इट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम टू मीट द स्टेट्स नीड की अभी हमने कोविड में जो सफर किया है इन सब चीजों को ऑक्सीजन रिलेटेड जो लैक रहा है उसको कवर करने के लिए स्कीम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है नेक्स्ट देखेंगे एलेवेंथ पॉइंट रिसेंटली डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी हैज बीन पास अवे ही इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन तो डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी जो है रिसेंटली पासड अवे एंड पूछा जा रहा है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन uh, से बिलोंग करते थे तो जो ऑप्शन हैं हमारे पास वो है नीति आयोग सेंसस कमीशन फाइनेंस कमीशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा इट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ जो श्री कुमार बनर्जी थे ही बिलोंग टू द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड दैट्स इट फॉर दिस न्यूज अगला देखेंगे नेक्स्ट इज एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे तो ये जो हमें ऑप्शन गिवन है हमें बताना इनमें से हम एंटी टेररिज्म डे को कब सेलिब्रेट करते हैं तो या ऑब्जर्व करते हैं तो इट इज़ बींग ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मे ट्वेंटी फर्स्ट उसके बाद ये बेसिकली था क्या क्यों इसको हमने स्टार्ट करना शुरू किया था ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ़ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनकी डेथ पे स्टार्ट किया था तो जो ये एंटी टेररिज्म है इसको काफी सालों से सेलिब्रेट किया जा रहा है या ऑब्जर्व किया जा रहा है और मे ट्वेंटी फर्स्ट को ही किया जाता है हर बार और किसकी डेथ एनिवर्सरी पे किया जाता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जो हमारे उनके डेथ एनिवर्सरी पे किया जाता है क्या नाम है उनका उनका जो नाम है दैट इज राजीव गांधी तो क्वेश्चन इस रिलेटेड भी आ सकता है अगला देखेंगे क्वेश्चन एयरक्राफ्ट तो जो ये न्यूज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका जो आंसर रहेगा ये ऑप्शंस देख लेंगे पंजाब गोवा ओडिशा वेस्ट बंगाल या उत्तराखंड तो इसका जो आंसर है हमारा वो रहेगा पंजाब

कोविड रैपिड सेल्फ या फिर कोविड सेल्फ टेस्ट किट इसमें से हमें बताना है कौन सा आई है जिसने क्या किया है अप्रूव कर दिया है तो जो इसका हमारा आंसर रहेगा वो है कोवी सेल्फ तो काफ़ी ज़्यादा ये कोविड से रिलेटेड न्यूज़ ऑलमोस्ट दो से तीन तो आएंगी ही आएंगी तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये रहे आज तो अगर हम बात करेंगे आईसीएमआर की ये है क्या जिसने अप्रूव किया है तो हमें उसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए इट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जो किट uh, है सेल्फ किट है उसका नाम क्या है कोवि सेल्फ पुणेज माइलैब रिसीव आईसीएमआर अप्रूवल फॉर इंडिया फर्स्ट सेल्फ यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विच इज कोवि सेल्फ फॉर कोविड नाइनटीन सिक्सटीन पॉइंट देखेंगे ज बीन क्राउंड एज मिस यूनिवर्स फॉर द इवेंटी ट्वेंटी मिस यूनिवर्स को किस क्राउंड किया गया है तो ऑप्शन है हमारे पास जोजुनजी एंड्रिया मेजा एंडलाइनो जैनिक मैसेटा या फिर जूलिया गामा तो जो इसका हमारा सही आंसर है इट इज एंड्रिया मेजा मैक्सिकोज एंड्रिया मेजा है मिस यूनिवर्स तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है तो शी बिलोंग्स टू बेसिकली मैक्सिको नेक्स्ट देखेंगे सेवनटीन्थ पॉइंट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम इंडियन वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम का एज अड किस को अपॉइंट किया गया है ऑप्शन आर जाहीर खान आशीष नेहरा मोहम्मद कैफ मुनाफ पटेल या फिर रमेश पवार तो जो सही आंसर है हमारे पास विच इज रमेश पवार इज द एब्सोल्यूटली राइट आंसर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट जिस बी सी सी आई बोर्ड ऑफ Control for cricket in India. India. BCCI -C -C has appointed former Indian spinner Ramesh Power as a head coach of Indian women cricket team. Next, taking a 17th or uh, 18th point. Which of the

रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ये हो गया हमारा आंसर आई आर ई डी एज बिन कॉन्फर्ड विद ग्रीन ऊर्जा अवार्ड फॉर बींग द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी दिस ईयर बाय द आईसीसी ना ये क्या है आईसीसी इंडियन Chamber ऑफ Commerce. Chamber ऑफ Commerce. हमने ये तो पढ़ लिया कि ये अवार्ड मिला है किसको मिला है बट क्वेश्चन ये ये भी आ सकता है कि अवार्ड दिया दिया किसने तो हमने बता बाई आई सीसी विच इज इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स अगर अब हम बात करेंगे फुल फॉर्म्स की एस ए आई एल स्टैंड फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अगला जो है आई आर डी ए वॉट इट इज इट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है अगला जो हमारे पास है इट इज आई एस आर ओ इट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड जो हमारी लास्ट ऑप्शन है इट इज डिफेंस डी आर डी ओ इट इज डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ये हमने सबके फुल फॉर्म यहाँ पे पढ़ लिया है सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आई आरई डी ए उसकी भी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूटी पुलिस सीओवी आई विच इज कोवी वैन हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेंगे इस बार के एग्जामिनेशन में कि कौन सी स्टेट है या कौन सी यूटी है जो हमें पांच ऑप्शंस गिवन है इनमें से जिसने लॉन्च किया है सी ओ वी आई कोविड हेल्पलाइन किसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए तो जी आ, हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है ओडिशा पंजाब चंडीगढ़ गोवा या फिर दिल्ली तो यहाँ सही आंसर है दिल्ली गवर्नमेंट हैज बेसिकली लॉन्च कोवी वैन हेल्पलाइन द दिल्ली पुलिस हैज लॉन्च कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर फॉर सीनियर सिटीजन स्ट्रगलिंग विद देयर असेंशियल नीड्स

प्रोनउंसिएशन इसकी जो है दो हैं या तो है या फिर तोकते है तो यहाँ पे अब हमें बताना है कौन सी कंट्री ने इसको ये वाला जो है, नाम दिया है और जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बांग्लादेश नेपाल म्यांमार पाकिस्तान या फिर ओमन तो जो साइक्लोन तोकते है इट इज द फिफ्थ नेम टू बी यूज फ्रॉम द न्यू लिस्ट एंड द नेम वॉज सजेस्टेड बाय म्यामार ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो न्यूज है इस साइक्लॉन से रिलेटेड इट इज इन न्यूज काफी टाइम से तो इसलिए ये वाली न्यूज क्या रहेगी हमारी एक्सपेक्टेड रहेगी अगर अब हम बात करेंगे यहाँ पे म्यांमार की तो हमें यहाँ पे इसकी कैपिटल और करेंसी डिस्कस करनी है तो जो कंट्री है इट्स नेम इज म्यांमार ये हमें पता है उसके बाद अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे इट इज नै एंड अगर हम करेंसी की बात करेंगे तो इट इज क्या थ? ये तो हमने कर ली म्यांमार की बट इस न्यूज में जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें सारे जितने भी हम कवर करना चाहेंगे वो हम सारी न्यूज़ के अंदर कैपिटल करेंसीज या स्टैटिक रहेगी उसको हम कोशिश करेंगे कि हम कवर कर लें तो अगर हम अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो इट्स करेंसी इज ढाका और अगर मैं इसकी अब बात करूंगी कैपिटल की तो कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका एंड उसके बाद वी हैव नेपाल अगर हम नेपाल की बात करेंगे नेपाल की कैपिटल की आल बी राइटिंग इट हियर तो इट इज काठमांडू एंड अगर हम बात करेंगे इसकी तो इट इज रूपी बट वो है ना नेपालीज की रूपी है इसको हम इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे कि हमारी और नेपाल की एक ही रूपी है नहीं रूपी है नो डाउट बट देर इज अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ दट पर्टिकुलर रूपी अगर अब हम बा, बात करेंगे पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की करेंसी की बात करेंगे और पाकिस्तान की उसके बाद हम कैपिटल की बात करेंगे तो पाकिस्तान की करेंसी क्या है अगेन रूपी है बट स्टिल वट आई हैव टोल्ड you इज अ डिफरेंट थिंग कि इंडियन करेंसी और चाहे रूपी ही होगी बट फिर भी क्या रहेगा वहाँ पे एक हमारा डिफरेंस रहेगा अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की कैपिटल की तो इट इज़ इस्लामाबाद एंड लास्टली वी आर लेफ्ट विद ओमन तो ओमन की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे और करेंसी की बात करेंगे तो इट इज़ रियाल रियाल क्या है बेसिकली ओमान की करेंसी है और अगर हम हम बात करेंगे ओमन की कैपिटल की तो इट इज़ अगैन वेरी इंपॉर्टेंट विच इज मस्कट ज मच एज पॉसिबल बाकी जैसे भी आप जो जो न्यूज पढ़ते रहेंगे आपको उसके साथ उसकी स्टार्टिंग लर्न करनी है इनमें से पांच ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है गोवा आसाम पंजाब उड़ीसा या फिर मणिपुर तो जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है आसाम ऑप्शन नंबर टू द असम हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव अ रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम नेक्स्ट देखेंगे विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज क्रॉस 1.4 मिलियन इनमें से जो हमें कंट्रीज गिवन है बताना है कौन सी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसने 1.4 बिलियन को क्रॉस कर लिया है ऑप्शन है जापान नेपाल चाइना इंडिया या फिर यूके तो जो हमारा सही आंसर है यहाँ पे वो है चाइना चाइना की जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन ने क्रॉस कर लिया है अगर अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो चाइनाज पॉपुलेशन हैज राइजन ओवर द पास्ट बाय 72 मिलियन टू 1.144 बिलियन इन 2020 ट्वेंटी एज पर द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटस ये भी अब हमने न्यूज पढ़ ली बट वो ये पूछ सकते हैं कि ये न्यूज इट इज गिवन बाय हु विच ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन हेर इज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड हाउ मच ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर कितने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स जो है अराइव हुए हैं फ्रॉम इसराइल ऑप्शन थर्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड फाइव हंड्रेड या फिर टू थाउजेंड हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो है थर्टीन हंड्रेड जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे संजय यादव जस्टिस सुजाता मनोहर जस्टिस गोविंद माथुर जस्टिस मंजूला चेलर या फिर जस्टिस गीता मित्तल तो जो हमारा सही आंसर रहेगा वो है जस्टिस गीता मित्तल शी हैज बिन कॉन्फर्ड विदलाइन पच्थ ग्लोबल विजन अवॉर्ड ऑल्सो शी इज द फॉर्मर चीफ जस्टिस former chief justice of jammu and kashmir high court justice geeta mittal has been declared as one of the two recipients of the airline the global award and that's it for this news Ugly news dekhenge which country has lifted the raw material ban of covid-19 for india कौन सी कंट्री ने लिफ्ट कर दिया है जो उन्होंने रॉ मटेरियल बैन लगाया था किसके लिए कोविड नाइन्टीन फॉर इंडिया ऑप्शन आर अमेरिका पाकिस्तान ब्राज़ील चाइना एंड न्यूजीलैंड तो जो हमारा सही आंसर है अमेरिका अमेरिका ने क्या किया है लिफ्ट कर दिया है रॉ मटेरियल का बैन जो कि कोविड नाइन्टीन इंडिया के लिए लगा रखा था एंड विद दिस यू हैव सेशन हमारे जितने भी पॉइंट्स थे 25 फाइव के ट्वेंटी इंपॉर्टेंट आज के लिए जो हमने पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए नाउ सी यू इन टूमारोज लेक्चर आई होप यू लाइक इट एंड जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी सॉट ऑफ डाउट और यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशन तो यू कैन आस कास इन द कमेंट सेक्शन और द नंबर गिवन बिलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो